नमस्कार विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube न्यूज चैनल द खबरी बाबू पर। थैंक यू चंदन जी, आपके और आपकी टीम दोनों को मौका देने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं, आप बिहार से, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में अभी आप रह रहे हैं और बिहार पर पैनी नजर बनाए रखते हैं हमेशा, चूंकि आपका ये होम टाउन है बिहार में औरंगाबाद। आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और साथ साथ आप कई संस्था से जुड़े हुए एक युवा हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बिहार का जो एग्जिट पोल जो निकल कर आया है, कई इंडिया टुडे, चाणक्य और भी कई सर्वे के अनुसार उन्होंने महागठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या सर्वे इस बार सटीक होने वाला है या कुछ तब्दील होगा? देखिए, सर्वे के बारे में जहां तक बात है, एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, खास करके बिहार जैसे स्टेट जो स्विंग स्टेट में गिनती करते हैं, जहाँ पे वोटर क्या है, आखिरी टाइम में बहुत सारे फ्लोटर वोटर हैं जो विनिंग पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादातर सर्वे जो है वो सही है, ज्यादातर सर्वे सही है, तो मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं एक बढ़त बनाए हुए है महागठबंधन एनडीए के ऊपर। महागठबंधन एनडीए के ऊपर बढ़त बनाए हुए हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी का आना, नीतीश कुमार का, बड़े बड़े दिग्गज नेता, कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री का दौरा रहा बिहार में, क्या ये सिंधवारी नहीं कर पाए अपने वोट में? सिंधवारी के एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लोगों को नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे, एक मोदी दिखाई नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन ना एक राज्य का मुद्दा तक ही बना रह गया, इसमें कि एनडीए और तेजस्वी। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव कहाँ पर बढ़त बढ़ाए हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ गए वो? पहला मुद्दा तो उन्होंने ये किया कि एक सबसे बड़ा क्या किया कि दो तीन चीजें हैं जहां पे तेजस्वी ने एक बढ़त बनाया, पूरा का पूरा फोकस राज्य पे किया उन्होंने, जैसे यूथ को जॉब देना, एक गवर्नमेंट जॉब हमेशा से बिहार में एक फैक्टर रहा है और गवर्नमेंट जॉब का तवज्जो ज्यादा दिया है। नीतीश कुमार ने तो भी कहा हम भी 19 लाख जॉब देंगे, लेकिन इसको लोग गलत तरीके, आज हम क्या बोले, बिहार में लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब एंड रोजगार, रोजगार का मतलब हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब हमें डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गवर्नमेंट वर्ड जुटने की वजह से 10 लाख 19 लाख पे भारी पड़ गया, अगर सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे बात किया जाए तो ये वर्ड कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है, स्पेशली यूथ को डाइवर्ट किया है, तो इस ये रीजन है। बहुत दूसरी बात है, 10-15 साल से ऑलरेडी जेडीयू अपने शासन काल में थी, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम वैसे तो होता ही है, जो एंटी इनकेंसी हुआ उसमें दारू भी तो महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो लोग दारू पीकर जेल गए तो वो भी जब आए अपने वो में आए, मैं तो चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एंटी इनकेंसी जो भी आपके नीतीश कुमार के विरोध में गया, तो ये भी हो सकता है मुद्दा, नीतीश कुमार कह रहे थे कि महिलाएं अच्छा होगा, महिलाएं हमारे पक्ष में रहेंगी, युवाओं हमारे पक्ष में रहेंगे, शराबबंदी में शराब को बंदी कर लेकर आया जो पूरे भारत में बिहार मिसाल बना, तो आखिर ये मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है? देखिए, योजनाएं लाना और योजनाओं को लागू करना दोनों दो चीजें हैं। बिहार जहाँ पे पर कैप्टन इनकम सबसे लोवेस्ट है पर कैप्टन इनकम में, शराबबंदी कानून लाना कहीं ना कहीं मैं इसको अच्छा मानता हूँ नीतीश कुमार जी का, कहीं ना कहीं आए दिन बिहार में घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़े और पर कैप्टन इनकम के मामले में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था दारू की वजह से। और चिराग पासवान का रोल इस पर क्या रहेगा? चिराग पासवान जो है एक मेजर वोट है, स्पेशली कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ईबीसी वोटरों पे ज्यादा उनको इस बार फोकस किया है, मतलब वोट काटे हैं और ज्यादा मेजर रोल प्ले, मैंने इलेक्शन से पहले भी ये बातें बोला था, चिराग पासवान जो है वो जेडीयू के पूरा का पूरा वोट काटेंगे, 145 सीट लगभग 140। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, आप युवा हैं और युवा में एक ट्रेंड कर रही थी पुष्पम प्रिया चौधरी और आपके पप्पू यादव जो कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं, ये कहाँ पर नजर आते हैं पूरे चुनाव के प्रदेश में, चूंकि जब चुनाव हो रहा था तो इनका अच्छा प्रचार प्रसार और हर तरह से आगे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहाँ टिकते हैं, कितने प्रतिशत किसको नुकसान दे देंगे, इनका वोट अगर जाता है, कन्वर्ट होता है, कुछ भी वोट होता है, चूंकि पूरे बिहार से इन्होंने चुनाव लड़वाया पुष्पम प्रिया चौधरी ने, ये वोट किसका कटेगा, असल में वोट किसका कटने वाला ये? पुष्पम प्रिया चौधरी का पार्टिकुलर बात कीजिए तो कहीं ना कहीं यूथ लोग उनको वोट दिए, खास करके जो एक अथवा कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, एक अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए का वोट ज्यादा काटेंगे। बात रहा पप्पू यादव की, थोड़े महागठबंधन के वोट काटते हुए नजर आएंगे इस इलेक्शन में, लेकिन ओवरऑल इन दोनों पार्टियों का ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच में नेक टू नेक फाइट होने की वजह से लोगों ने सोचा कि ये अभी आई है, नई आए हैं, कुछ दिन और मौका मिलेगा, टाइम देंगे, फिर इन्हें हम लाएंगे, ठीक है अभी हैं, अच्छे हैं, लोगों का पॉजिटिव इंटेंशन तो था, लेकिन
कुछ दिन और चाहते थे कि ये लोग कुछ दिन और काम करें, फिर देखते हैं। अभी फाइट है, अभी इन्हें वोट देंगे, जो नेक टू नेक जो फाइट है एनडीए महागठबंधन में, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। हिमाचल में असदुद्दीन ओवैसी का क्या हाल रहेगा? देखिए, जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का बात है, अभी तक जिस तरह से वोट खास करके मुस्लिम समुदाय जहां पे हिमाचल में 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से उनका जो परंपरागत वोट रहा है मुस्लिम का, और वैसे ही करने में कामयाब होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कहीं ना कहीं एक उलट फिर देखने को मिल सकता है सीमांचल में। आप औरंगाबाद क्षेत्र से आते हैं विवेक जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका गृह जिले का ये नगर औरंगाबाद किसके खाते में जा रहा है आपके नजर से? देखिए, यहाँ पे थोड़ा मामला फंसा हुआ है। मामला इसलिए फंसा हुआ है कि यहाँ पे बीएसपी से हमारे एक लीडर खड़े हुए हैं अनिल यादव, इनकी वजह से कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर इन्होंने ठीक ठाक वोट लिया होगा तब तो कांग्रेस पे एज बनाएगा, अदरवाइज रामाधार सिंह यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामाधार सिंह बीजेपी जी। एक अंतिम सवाल और अहम सवाल है, ये पूरे बिहार का जो मामला है, पूरे बिहार में इस बार क्या लगता है आपकी नजर से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या दाव पेच होगा, या त्रिकम होने वाला है, या मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, जो अंतिम रिजल्ट आने वाला है? त्रिकोणीय का चांस तो थोड़ा कम ही लग रहा है कि त्रिकोणीय इस बार आएगा, काफी कम है, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई टाइप का था। नीतीश कुमार ने बोल दिया कि हाँ मेरा आखिरी चुनाव है, तेजस्वी ने बोल दिया कि अब एक मौका हमें मिलना चाहिए, 15 साल बहुत हो गया, तो ये त्रिकोणीय का मुकाबला तो काफी कम दिखते हुए लग रहा है। लेकिन अगर इन द केस होता भी है एक पर थोड़ा सा चांसेस में, वही जो सीमांचल में उलट फिर होता है तो थोड़ा चांसेस है, अदरवाइज त्रिकोणीय का कोई चांसेस नहीं है। आपकी नजर में क्या लगता है, जंगल राज पार्ट 2 होगा, या तेजस्वी जब अपने शासन में आएंगे तो उसमें सुधार लाएंगे? लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थिंकिंग वही है कि लालू यादव आए हैं तो लालू के बेटे वही है, कहीं ना कहीं लोगों में अंदर से है कि यार ये भी वैसा ही लाएंगे। लेकिन अगला स्टेप क्या होगा, अभी तेजस्वी यादव ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का शपथ नहीं लिया है, अभी तक कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए हाथ से कुछ भी कहना मुश्किल है अभी। लेकिन लोगों के मन में ऐसा है कि यार इसने ऐसा किया तो फिर इनका भी ऐसे ही कुछ चलेगा। तो ये अगर अगर, अगर 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 एनडीए आती है सत्ता में तो एनडीए का चेहरा कौन होगा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पार्टी जो आपका जेडीयू है, जेडीयू कम वोट कम सीटों पर आती है, बीजेपी ज्यादा लीड करती है, तो और अगर हो जाता है तो इसमें कौन चेहरा होगा एनडीए की तरफ से, अगर एनडीए बहुमत में आती दिखती है या आती है तो? जी जी, जहां तक जनरल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीए बहुमत में आती भी है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं ना कहीं वो अंदर से नहीं चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने, कुछ ऐसा होगा, और बीजेपी कोई नया चेहरा को मौका दे सकती है, और हो सकता है कि इनको केंद्र में कुछ मिले नीतीश कुमार को, या अगर वो केंद्रीय जीतती है तो भी और हारती है तो भी, और राज्य के जो सत्ता है वहां पे बीजेपी कोशिश करेगी हम यहां पे विपक्ष में रहें। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक इंटरव्यू उन्होंने बोला हुआ था कि अगर बीजेपी बोल रही है सीटें ज्यादा आएगा, सीटें ज्यादा भी अगर हम लाते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। एक सीधा सवाल और अंतिम सवाल एक साथ हम जानना चाहेंगे कि इस बार आपके नजर में फाइनली महागठबंधन आ रहा है? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे विवेक कुमार सिंह, दिल्ली से बिहार के रहने वाले और मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल का जुड़ने के लिए।